नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंच में। मेरा नाम ऋषि। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार लेबर कार्ड की एक बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, बिहार लेबर कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट यहां पे जारी किया गया है कि बहुत सारे लेबर कार्ड धारक हैं जिनका कि यहां पे आप लोगों का आधार ऑथेंटिकेशन है, यानी कि आधार सत्यापन जो है वो आप लोगों का फेल हो चुका है, जिसके कारण से उनको मिलने वाला जो पैसा है वो उनको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। साथ में यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो लेबर कार्ड का लाभ उनको मिलने वाला है वो लाभ भी यहाँ पे जो है बंद कर दिया जाएगा। इसको लेकर जो है आप लोग का लिस्ट जारी कर दिया गया है, अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग आप लोग का लिस्ट यहाँ पे जारी किया गया है कि किन किन लोगों का आप लोग का आधार सत्यापन फेल हुआ है और उन सभी को जो यहाँ पे दोबारा अपना आधार सत्यापन करवाना होगा। अब ये दोबारा आप लोग का आधार सत्यापन किस प्रकार से होगा और क्यों आप लोग का आधार सत्यापन फेल हुआ है, इसके बारे में आप लोग वहां पर जानकारी देने वाला हूँ। साथ में बताने वाला हूँ कि कहां से आप लोग को लिस्ट डाउनलोड करना और चेक करना है अपने जिले का कि आपका नाम भी उस लिस्ट में है या फिर नहीं है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेल का सपोर्ट उन दुआ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसको शेयर कीजिए ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को यहां पे जानकारी देता हूं कि आप लोग का जो आधार सत्यापन फाइल हुआ है, जो आप लोग का लिस्ट यहां पे जारी किया गया है, उस लिस्ट को आप लोग को चेक करना क्यों जरूरी है और दोबारा किस तरीके से आप यहां पे जो आधार सत्यापन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग का जो आधार कार्ड है उससे आप लोग का जो डिटेल है उसको यहाँ पे मैच किया गया था। जो भी डिटेल आप लोग का रहता है, जैसे कि आप लोग का नाम हो गया, साथ में आप लोग का डेट ऑफ बर्थ हो गया और आप लोग का जो एड्रेस है, ये सब कुछ आप लोग का मैच किया गया था। और बहुत सारे ऐसे लेबर कार्ड धारक थे जिनका यहाँ पे जो डिटेल है वो यहाँ पे मैच नहीं किया है। ऐसे में आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोग का जो आधार कार्ड है उसमें जो डिटेल आप लोग को चेंज करवा कर जो है फिर से अपना यहाँ पे सबमिट करना होगा, जिससे कि आप लोग का जो यहाँ पे डिटेल है वो मैच कर जाए और उसके बाद जो भी लाभ आप लोग का मिलता है लेबर कार्ड धारकों को वो लाभ आप लोग को मिल सके। यानी कि अगर आप लोग का आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो चुका है, अगर आप लोग का आधार सत्यापन नहीं हुआ है, तो ऐसे में जो भी लेबर कार्ड धारकों को लाभ मिलता है वो लाभ आप लोग का नहीं मिलेगा, आप लोग का जो पैसा है वो आप लोग को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों किस प्रकार से आप लोग को इसका सुधार करना है और किस तरीके से आप लोग को लिस्ट चेक करना है वो मैं आप लोगों को यहां पे दिखा देता हूं। तो लिस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको जो है इस वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको अपने गूगल में टाइप करना है YTDC। आप यहां पे जो YTDC देख रहे हैं ये आपको अपने गूगल में टाइप करना है। सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पे चले आना है। उस पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट सरकारी योजना का आप लोगों का ऑप्शन मिलेगा। लेटेस्ट अपडेट और सरकारी योजना दोनों में से किसी एक में आप लोगों को चेक करना है। यहाँ पे आप देख पाओगे बिहार लेबर कार्ड आधार रिजेक्ट लिस्ट 2022 आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग का जो वेबसाइट है वो आप लोग यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, नीचे आना है, यहाँ पे मैंने जो बहुत सारा जानकारी दे रखा है, आपको थोड़ा सा और नीचे करना है। यहाँ पे आपको जो है नीचे इंपोर्टेंट लिंक्स का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा और यहां पे आप देख पाओगे चेक डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट, यानी कि यहां पे जिला के हिसाब से आप लोगों का जो लिस्ट है वो जारी किया गया है। तो आप अपने जिले का जो लिस्ट है उसको यहां पे चेक कीजिएगा। तो यहां पे क्लिक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग का जो वेबसाइट है वो आप लोग यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये जो है आप लोग का ऑफिशियल लेबर कार्ड का जो वेबसाइट है वो आप लोग का ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे जो है अलग अलग जिलों का जो आप लोग का लिस्ट है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख लीजिए लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी हुज आधार ऑथेंटिकेशन इज फेल, यानी कि जिनका भी आधार सत्यापन जो है फेल हो चुका है उनका लिस्ट यहाँ पे जो है आप लोग का जारी किया गया है और ये जो है 21 अक्टूबर को यहाँ पे जारी किया गया है। और यहाँ पे आप देख पाओगे सबसे पहले जहानाबाद है, फिर जम्मू है, फिर गोपालगंज। इसी तरीके से आपको नीचे करना है, आप लोग का जो जिला होगा उस जिला का आप लोग का जो लिस्ट है वो आप लोग वहां पे चेक करना है। सभी जिले का नाम जो है आप लोग वहां पे देखने को मिल जाएगा। आप नीचे करते जाइएगा, यहाँ पे आप लोग का जो लिस्ट है वो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अब मान लीजिए मैं जो मुजफ्फरपुर का यहाँ पे चेक करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको करना क्या, डाउनलोड का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। फोन में भी आप लोग को मिलेगा, कुछ इस तरीके से आप लोग का जो लिस्ट है वो आप लोग वहां पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे आप लोग का जो लेबर कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप लोग को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप लोग का नाम है, आधार नंबर का लास्ट आप लोग का 4 डिजिट देखने को मिल रहा है, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वार्ड नंबर आप लोग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका नाम इसमें है या फिर नहीं है। अब ये जो लिस्ट है ये लिस्ट जो है बहुत ही बड़ा है, तो इसलिए आपको चेक करने के लिए करना क्या है, आप लोग को कंट्रोल एफ दबाना है, या फिर अगर आप अपने फोन में कर रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर में जो है एक सर्च का आप लोग का PDF का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पे जो है अपना नाम लिखना है। जिससे आप यहाँ पे नाम लिखिएगा कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे शो कर देगा, एक नाम यहाँ पे शो किया है, फिर दूसरा नाम यहाँ पे, फिर तीसरा नाम, इस तरीके से करके आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा
कि आपका नाम इस लिस्ट में है या फिर नहीं है। अब अगर आप लोग का इस लिस्ट में नाम नहीं होता है तो इसका मतलब है कि आप लोग का जो आधार कार्ड सत्यापन है वो हो चुका है, लेकिन अगर आप लोग का इस लिस्ट में नाम होता है तो आप लोग को दोबारा जो यहाँ पे सत्यापन है वो करवाना होगा, कुछ ना कुछ गलती होगा इसके कारण से आप लोग यहाँ पे इस लिस्ट में नाम आया हुआ है। अब अगर इस लिस्ट में नाम होता है तो आपको किस तरीके से सुधार करना है वो मैं आप लोग को वहां पे बता देता हूं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप लोग का जो लेबर रजिस्ट्रेशन होगा उसको आप लोग को चेक करना होगा, यानी कि जो आप लोग का लेबर कार्ड है उसको आप लोग को वहां पे एक बार चेक करना है। अगर आपको लेबर कार्ड डाउनलोड करने के लिए नहीं आता है आपको करना क्या है, आपको जो फिर से इस वेबसाइट पर चले आना और यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, क्लिक है पे आप क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा, लेबर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आप देख पाओगे व्यू रजिस्ट्रेशन स्टेटस का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड नंबर डालकर शो पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग का लेबर कार्ड यहां पे शो कर देगा, उस लेबर कार्ड को चेक करना है और लेबर कार्ड का जो डिटेल है उसको आप लोग के आधार कार्ड के डिटेल से मैच करना है। अगर दोनों डिटेल सेम है तब तो आप लोग को दोबारा यहां पे जो अप्लाई करना होगा, अगर दोनों यहां पे डिटेल सेम नहीं है तो सबसे पहले आप लोग को डिटेल चेंज करवाना होगा, उसके बाद आप लोग को यहां पे जो है आधार ऑथेंटिकेशन करवाना होगा। अब आधार ऑथेंटिकेशन कहां से होगा वो मैं आप लोग को यहां पे बताता हूं। तो उसके लिए आप लोग का जिला स्तर पे जो है एक श्रम संसाधन विभाग का जो ऑफिस है वो आप लोग यहां पे बनाया गया है, उस ऑफिस में आप लोग को जाना है या फिर लेबर ऑफिस भी बहुत सारे लोग उसको बोलते हैं, तो उस ऑफिस में आप लोग को जाना है और आप लोग का जो आधार कार्ड है उसका एक फोटोकॉपी आप लोग को जमा करना है और यहां से जो आप लोगों ने अपना जो लेबर कार्ड डाउनलोड किया है उसका एक फोटोकॉपी आप लोग को वहां पे जमा करना है। तो ये दोनों चीज आप लोग को वहां पे जमा करना है, तो फिर से आप लोग का जो वेरिफिकेशन है उसको वहां पे किया जाएगा और अगर आप लोग का सारा डिटेल सही रहता है तो आप लोग का आधार ऑथेंटिकेशन यहां पे कर दिया जाएगा और जो भी आप लोग का लेबर कार्ड का योजना है उसका लाभ आप लोग को मिलने लगेगा। तो इस तरीके से आप लोग को वहां पे लिस्ट चेक करना है अपने जिले का और इस तरीके से दोबारा आप लोग को आधार ऑथेंटिकेशन करवाना है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं इस वक्त तक के लिए, धन्यवाद।